हेलो एवरीवन वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला आई एम एडवोकेट मानसी जैन आज का हमारा सबसे पहला सेशन है क्लैट नेक्सस 2025 बैच का जहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लीगल रीजनिंग मैं आप सबके सामने आई हूं जहां पर हम लोग लीगल रीजनिंग के आज बेसिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये हम लोगों का सॉर्ट ऑफ एक फाउंडेशन बैच है जहां पे हम लोग आपका बेस स्टेप से क्लियर करेंगे ताकि आगे की सीढ़ियां आप बहुत ज्यादा स्मूथली चढ़ पाओ और अपने एनएलयू का सपना साकार कर पाओ तो क्लैट नेक्स बैच के लीगल रीजनिंग के आज के फर्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ हम लोग जानेंगे कि आपके पेपर के पैटर्न में लीगल रीजनिंग का क्या पैटर्न होता है किस टाइप से आपको क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रिमिनल लॉ में जब कभी भी आप किसी टाइप के क्वेश्चंस को डील करोगे तो उसके पीछे डील करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वंस सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को जो आज मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू एवरी हेलो स्वदेश अनुराग पारुल हेलो टू एवरी एक बात बता दूं कि जिन बच्चों ने एक यूनिटी फीचर आ चुका है पीडब्ल्यू का यूनिटी फीचर यूनिटी फीचर के लिए आपको पीडब्ल्यू यूनिटी पर जाना है वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा अपने आप को आपको, आपको रजिस्टर करना है वाया और जी मेल जैसे ही आप अपनी जी मेल से वहां पर यूनिटी पीडब्ल्यू यूनिटी में अपने आप को रजिस्टर करेंगे आपको बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमारे अभी ये यूट्यूब सेशन में काम आने वाले हैं इन YouTube सेशन में आप अपने आप को यहां पर पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप पोल्स में अपनी परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं जिन बच्चों को दिक्कत है डाउट पूछने के लिए हाय दीपक हेलो श्रीधर मुकेश प्रियांशी स्वदेश जतिन हेलो टू एवरी जब कभी भी आपको अगर आप यूनिटी पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं डाउट पूछने के लिए आपने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाउट एक्सक्लेमेशन का साइन या फिर आपने लिखना है डाउट्स और आपने ये साइन जरूर बनाना है एक्सक्लेमेशन का आप ये ये करके इसके बाद आगे अपना डाउट अगर टाइप करेंगे तो आपका डाउट इमीडिएटली पॉपअप होगा जो मैं यहां पर आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर कर पाऊंगी जुडिशरी के लिए श्रेय सोनी का ये डाउट है बच्चे जुडिशरी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा क्रिमिनल लॉ के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जुडिशरी में भी आते हैं तो वहां पर भी आपको डेफिनेटली आपका बेस सेटअप करने में ये जरूर हेल्प करेगा अः uh, okay. दीपक आई एम फैकल्टी फॉर द लॉ वर्टिकल ओनली अभी जुडिशरी के मैं मैं नहीं हूं ऑल दो डेफिनेटली क्या पता फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो मैं बिल्कुल नीति जुडिशरी बैच में डेफिनेटली पढ़ाना चाहूंगी हाय आशा हेलो नचिकेत हेलो सिद्ध हाय अंशु ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्रिमिनल लॉ की क्लास से सबसे पहले तो लीगल रीजनिंग का आपको ये सबको पता ही होगा कि आपका जो क्लाट का पेपर है वहां पर आपको फाइव सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस मैप आउट किए जाते हैं ये पांच सेक्शन कौन से होते हैं एक आपको इंग्लिश का सेक्शन आता है सेकेंड सेक्शन आपको आएगा लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन होता है एक सेक्शन होता है आपका लीगल रीजनिंग का एक सेक्शन होता है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का एंड लास्ट सेक्शन होता है आपका क्यूटी जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं और वहां पे आपका मैथ्स आता है तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लीगल रीजनिंग की लीगल रीजनिंग में अप्रॉक्सिमेटली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो थर्टी फाइव से थर्टी नाइन क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो लीगल कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होते हैं तो बच्चे अक्सर ना ये पूछते हैं कि मैम हम लोगों को सेक्शन लर्न करने हैं हमको लीगल की थ्योरी लर्न करनी है क्योंकि अभी आप लीगल में टॉर्च लॉ पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे आगे चल के आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ोगे आप बहुत सारे मिसलेनियस लॉस पढ़ोगे तो क्या हमको थ्योरी लर्न करनी है जैसे हम अपने क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम्स के लिए लर्न करते हैं जी नहीं आपको थियोरी लर्न नहीं करनी पूरा का पूरा पेपर आपका कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होता है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड का मतलब है जैसे कि आपके क्लास स्कूल में आपको इंग्लिश का पेपर आता है सेक्शन ए रीडिंग पैसेज गिवन होगा तो एक पेपर में क्या होता है आपको अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं एक पैसेज गिवन होगा वो पैसेज होगा किसी भी लीगल टॉपिक पे बेस्ड या तो लीगल टॉपिक पर बेस्ड होगा या लीगल न्यूज पर बेस्ड होगा वो पैसेज के अंदर कम से कम अप्रोक्सिमेटली टू टू फाइव पैराग्राफ्स होंगे जो आपको गिवन होंगे उसके बाद यहां पर आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं कम से कम पांच से छ क्वेश्चन एक पैसेज पर बेस्ड होंगे सपोज की पैसेज आपको दिया गया है थेफ्ट के ऊपर एक सपोज मानते हैं कि सपोज की पूरे पैसेज में डिस्कस किया गया है थेफ्ट के बारे में कि चोरी क्या होती है चोरी का सेक्शन क्या है कब कब चोरी मानी जाती है कब कब चोरी नहीं मानी जाती है थेफ्ट को पूरा का पूरा ऑथर ने एक्सप्लेन कर दिया एक पैसेज के अंदर उसके बाद पांच से छे क्वेश्चन आएंगे वो पांच से छे क्वेश्चन आपको ये बताएंगे कि यार अच्छा इस वाले क्वेश्चन में क्या चोरी हो रही है क्या इस वाले क्वेश्चन में चोरी हो रही है इस तरीके से आपसे पांच से छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पैसेज पर बेस्ड तो ये जो फाइव टू सिक्स क्वेश्चन होंगे यहां पर अब आपने करना क्या होता है वो समझेंगे ध्यान से अब क्या था आपका अगर आप बात करो इसमें इंग्लिश uh, पेपर की मैं बात करूं तो यहां पर अब इंग्लिश के पेपर में आप लोग क्या करते हो जो स्कूल का इंग्लिश का पेपर होता है स्कूल का जो इंग्लिश का पेपर होगा वहां पर आपको रीडिंग सेक्शन गिवन होता है रीडिंग सेक्शन में से आपने पैसेज में पैसेज में से आंसर्स निकालने होते हैं और आपने थियोरी लिखनी होती है तो थ्योरी लिखनी होती है लेकिन यहां पर आपको ऑलरेडी ये पेपर आपका जो होता है ये एमसीक्यू क्यू बेस्ड होता है तो यहां पर आपने करना क्या होता है जो करेक्ट आंसर होगा जो करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर की जो रीजनिंग होगी रीजनिंग का मतलब है बिकॉज वाला पार्ट रीजनिंग मस्ट अलाय विद पैसेज रीजनिंग मस्ट अलाइव विद पैसेज का मतलब है अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाली हूं उससे सबको एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा uh, यहां पर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको दूं तो सपोजिडली आपसे पैसेज के अंदर लिखा गया है मर्डर इज अ पनिशेबल ऑफेंस आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि ए किल्ड बी बिकॉज बी वॉज अटेम्प्टिंग रेप ऑन ए क्वेश्चन अभी आपके सामने एक पोल आ रहा है जल्दी से रेडी हो जाइए पोल का आंसर करना है सभी बच्चों ने इज ए लाइबल फॉर मर्डर जबकि उसने अपने आप को बचाने के लिए मारा है अपने आप को बचा रही थी ए क्योंकि बी उस पर रेप कमिट करने वाला था या कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए ए ने उसको मार दिया अब आपको देखना है पैसेज के साथ इसकी रीजनिंग को अलाय करना है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है और सेकेंड ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए इज लाइबल फॉर मर्डर और सेकंड कह रहा है ए लाइबल नहीं है क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रही थी तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर आई एम एडिंग द पोल ओवर हियर जल्दी से आंसर देंगे ए या बी क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू टू राज करेक्ट आंसर है ए देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर हुआ है थ्री स्टूडेंट्स आंसर करेक्टली अनुराग अंशु एंड शुभम आर द फर्स्ट थ्री स्टूडेंट्स जिनका आंसर बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है अब गलती क्या हुई है वो समझेंगे हैप्पी वीमेन्स डे शिवानी थैंक यू सो मच भाभी आप पूछ रहे हैं कि यूनिटी एक वेबसाइट यूनिटी एक्चुअली में आपका गूगल क्रोम पे आप जाएंगे मैं अभी क्लास में भी खोल के दिखा सकती हूं अदरवाइज आपको क्या करना है क्रोम पर जाना है ये एक वेबसाइट है आपकी आप यहां पर टाइप करेंगे यूनिटी आपका खुल जाएगा उसके बाद एक मिनट इस तरह से आपको पीडब्ल्यू लाइव यूनिटी का टैब मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट अपने आप को जी मेल से रजिस्टर करना है और जैसे ही आप अपनी जी मेल से रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को फिर आप यूट्यूब के जितने भी क्लासेस होंगी वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप अपने टीचर को वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आप अपनी पोल्स अपने पोल्स के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारे पीडब्ल्यू की यूनिटी ऐप आप आपको देती है नाउ मूविंग फर्दर बच्चों का ये आंसर गलत हो गया है अब कैसे हुआ गलत अब वो समझेंगे जो कि मैं बता रही हूं पेपर का पैटर्न क्या होता है पेपर का पैटर्न ये कहता है कि आपको जैसे कि आप अपने स्कूल में आज मैं सिंपल सा एग्जांपल दू यार अगर तुमसे इंग्लिश के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है पैसेजेस आते हैं क्वेश्चन का आंसर आप पैसेजेस में से ढूंढते हो और वहां पर जाके लिख देते हो ऐसा ही करते हो होम्सअप ऑन दैट ऐसे ही करते हो इंग्लिश के पेपर में अगर पैसेजेस आते हैं क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही करते हैं सब बच्चे यूनिटी सर्च करना है शिवानी आपने वाई ओ यू एन आई टी वाई W यूनिटी यही करते हैं सब बच्चे जल्दी से मुझे बताइए स्कूल के पेपर में इंग्लिश का जो पेपर आता है जहां पैसेजेस गिवन होते हैं वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर पैसेजेस में से ढूंढ कर लिख देते हो जाके यही करते हो यही करते हो सब बच्चे यही करते हैं करेक्ट यस थम्स ऐसे ही करते हैं वही काम यहां करना है बट यहां पर आंसर लिखना नहीं है आंसर ऑलरेडी तुम्हें चार ऑप्शन में एक जगह पे गिवन होगा तुमको बस आंसर पकड़ना है जो जो पैसेज पैसेज की लाइंस के के साथ अलाय करे जो के शब्दों के साथ अलाय करे अब छोटा सा सिंपल एग्जांपल बोलती हूं कि अगर इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि जिंदगी क्या है वॉट इज लाइफ तो अगर पैसेज के अंदर लिखा है लाइफ इज ब्यूटिफुल तो वही लिख के आओगे ना पेपर में आंसर की लाइफ इज ब्यूटिफुल ये तो नहीं लिख के आ जाओगे कि जिंदगी है झंडवा जिंदगी बड़ी बकवास है जिंदगी बहुत ही बेरुखी है जिंदगी में तो बस लगे ही पड़े हैं इस तरीके से तो नहीं लिख के आओगे अपना पर्सनल परसेप्शन तो नहीं लिख के आओगे अगर पैसेज में लिखा है लाइफ इज ब्यूटिफुल तो वही आंसर लिख के आओगे अगर वॉट इज लाइफ पूछा गया है तो लाइफ इज ब्यूटिफुल लिखना पड़ेगा अपना परसेप्शन तो नहीं लिख सकते ना करेक्ट अ क्विक थम्स अप्स ऑन दैट सबको क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? दिलप्रीत क्लास में ही आपने अटेम्प्ट करना होता है क्लैट का एग्जाम जो भी बच्चे क्लास ट्वेल्थ में होते हैं क्लास ट्वेल्थ के दौरान ही आपका क्लैट का एग्जाम हो जाता है ताकि आपके बोर्ड्स के बाद आपका एनएलयू में एडमिशन भी हो जाए यही करते हैं सब बच्चे जल्दी से थम्सअप वही काम आपने क्लैट में लीगल रीजनिंग में करना होता है क्लैट में लीगल रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं आपको जैसा कि मैंने क्या कहा है अभी अभी यहां पर आपको आपके आंसर को पैसेज में से अलाय करना होता है रीजनिंग मस्ट अलाय द पैसेज तो अगर यहां पर पैसेज क्या कह रहा था मर्डर एक पनिशेबल ऑफेंस है इस पैसेज ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि प्राइवेट डिफेंस में किया तो मर्डर नहीं होगा अगर गुस्से में किया तो मर्डर नहीं होगा क्लियर क्लियर इस पैसेज ने क्या बोला बॉस अगर तुमने कभी भी मर्डर किया तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी क्लियरली बोल रहा है तो जब मर्डर करने पे पनिशमेंट मिलेगी और मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी तो इसीलिए बी ऑप्शन गलत हो गया जब पैसेज हमारा सेल्फ डिफेंस को डिस्कस नहीं कर रहा जब पैसेज सेल्फ डिफेंस को डिस्कस नहीं कर रहा पैसेज ने क्लियरली बोल दिया कि यहां पर थैंक यू सो मच स्वामी जी थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट बच्चे uh, तो जैसा कि क्लियरली बोल दिया गया है कि पैसेज में जब क्लियरली बोल दिया कि मर्डर पनिशेबल है तो उस हिसाब से ए ही करेक्ट आंसर होगा कि अगर ए ने मर्डर कर दिया है तो बॉस उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी ऑन द कॉन्ट्ररी अगर पैसेज बोल रहा होता कि मर्डर इज नॉट पनिशेबल इफ इट इज डन इन सेल्फ डिफेंस अगर पैसेज बोलता कि मर्डर में पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर मर्डर को सेल्फ डिफेंस में किया गया है तो उस केस में करेक्ट आंसर बन जाता आपका बी सभी बच्चों को क्लियर है ये पॉइंट अ क्विक अप प्लीज इसीलिए एक बात को गांठ मार लो सभी ऑप्शन चार ऑप्शन आपको गिवन होते हैं हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन के बिकॉज वाले पार्ट को आपको पैसेज से मैचअप करना होता है लाइफ इज ब्यूटिफुल लिखना होता है अगर पैसेज में लिखा है अपना परसेप्शन नहीं लिखना कि जिंदगी है झंडवा फिर भी घमंडवा ऐसा कुछ सुना है मैंने कई भोजपुरी मूवीज में ऐसा डायलॉग था तो वो चीज नहीं करनी है जो पैसेज में लिखा है उसी के हिसाब से अपने आंसर के बिकॉज को अलाय करना है जो भी ऑप्शन है उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो डाली है चैनल पर आप जाइएगा देखिएगा कि आफ्टर क्लाट आपके पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं तो वो उसके लिए मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो डाला है कि कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन का स्कोप होता है कौन कौन से एनएलूज में कौन कौन से नॉन एनएल में एडमिशन होता है उसके लिए प्लीज एक डिटेल वीडियो है आप उसको जरूर देखिएगा क्रिमिनल लॉ रिप्लेस नहीं हुआ अंजलि सिर्फ अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं और बी एन एस लॉ के नाम से इसको चेंज कर दिया गया है लेकिन मोर और लेस सेक्शंस और थियोरी सारी सेम है थैंक यू सो मच जोधराज थैंक्स लॉर्ड बच्चे ओके uh, okay. चलिए तो समझ में आ गया है वाला पॉइंट सबको ठीक है आगे बढ़ते हैं <clears throat> लीगल रीजनिंग के जो मैंने कहा पैसेजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली दो से पाँच पैराग्राफ के बीच में होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 450 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है यहां पर आपको लीगल सोल्यूशंस निकालने होते हैं जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजी मैप आउट कर लेते हैं कि, कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है स्ट्रैटेजी कहती है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इन्फर करो पैसेज और प्रिंसिपल्स को मतलब जो भी नॉलेज आपको पैसेज में गिवन है उसको अच्छे से पढ़ो नॉलेज को उसके बाद वही नॉलेज अप्लाई दैट नॉलेज टू द स्टोरी मतलब सबसे पहले तो पैसेज की नॉलेज को अच्छे से समझेंगे पैसेज में गिवन क्या है जैसा अभी हमने किया फिर उस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है ऑन क्वेश्चन थर्ड स्ट्रैटेजी कहती है मैच द आंसर विथ पैसेज करेक्ट आंसर हमेशा वो होता है जो पैसेज की लाइन से अलाय करता है जो भी ऑप्शन यहां पर पैसेज से नहीं सहमति बिठा रहा जो पैसेज की लाइन से नहीं अलाय कर रहा वो आपका इनकरेक्ट आंसर में जाएगा क्लियर हुआ सबको नेक्स्ट आता है यहाँ पर कुछ ये बुक्स हैं फेमस बुक्स हैं जो कि काफी अच्छी बुक्स हैं लीगल रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं आर एस अग्रवाल इन बुक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन जहां पर आपके लीगल रीजनिंग सेक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है शुभम बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता नमन अच्छी बात है यार फ्री में दे रहे हैं नेक्सस बैच क्यों पे करना है आपको इस चीज के लिए तो इसका पेड बैच कब आएगा पेड पे क्यों जा रहे हो अगर आप पेड बैच परचेज करना चाहते हो पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आपके लिए एक बेनिफिट है विश्वास दिवस ऑफर चल रहा है अभी फिजिक्स वाला का जिसमें कि एक्चुअली दो दिन बचे हैं अभी तो विश्वास दिवस ऑफर के दौरान हमारे जो पेड बैचेस हैं क्लाट अचीवर्स प्रो बैच 2025 और क्लाट अचीवर्स बैच 2025 इन दोनों बैचेस की कॉस्ट को इस टाइम पे स्लैश करके काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है वहां पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कंटेंट मिलता है जो कि नेक्सस बैच में हम डीपीपी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं लेकिन अचीवर्स प्रो बैच और अचीवर्स बैच में आपको ई मॉड्यूल्स मॉक टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सोल्यूशन अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक इस तरह से आपके पास प्रैक्टिस कॉन्टेंट बहुत इन्फाइनाइट प्रैक्टिस कॉन्टेंट होता है और अभी वीडियो ऑफर्स चल रहे हैं तो प्लीज गो अहेड एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट ओके नेक्स्ट आ जाता है आपका पैसेज को बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना है जैसा कि मैंने कहा जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे बहुत केयरफुली पढ़ेंगे यहां पर लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन को आपने स्टेब्लिश करना है कीप योर स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से आपको रखना है अपने इमोशंस को ऑलवेज कीप असाइड हमेशा ये ध्यान रखना इमोशनल चॉइसेस वाले आंसर हमेशा आपने एलिमिनेट करने होते हैं

कभी भी क्लाट में करेक्ट आंसर में नहीं पिक करते इन ऑप्शन को हमेशा आप पहले ही एलिमिनेट करोगे ओके okay. नेक्स्ट है आपका सूटेबल आंसर आपने निकालना है डू नॉट अज्यूम और एक्सटेंड द फैक्ट्स ओके अब अब आज की क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ से शुरू करते हैं वॉट इज क्राइम सबसे पहले तो कभी भी किसी भी क्राइम को कमिट होने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्राइम क्राइम हम तक हम लोग बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में हम बोलते हैं ऑफेंस किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स होना बहुत जरूरी है अगर ये दो इंग्रेडिएंट्स नहीं है एक भी मौजूद नहीं है तो क्राइम नाम की डिश नहीं बन सकती क्राइम नाम की डिश को बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए नंबर वन एक्टस रियर्स और नंबर टू मैं रियर्स यह होता क्या है यह होता है आपका गिल्टी एक्ट और यह होता है आपका गिल्टी माइंड गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है क्राइम कमिशन के दौरान मतलब कि अगर आपने क्राइम कमिट किया और आपका गिल्टी माइंड नहीं था मतलब आप किसी को बचाना चाहते थे या आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे इसीलिए आपने क्राइम कमिट किया तो ये चांसेस हैं कि आपको कोई सजा नहीं मिलेगी जो कि हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे पर अभी क्राइम कैसे कमिट होगा पहले वो पढ़ लेते हैं ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है एक्शन प्लस इंटेंशन जैसा कि पारोल ने बिल्कुल ठीक कहा यहां यहां पर आ, यहाँ पर एक्टस और रिया गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड अब गिल्टी एक्ट कैसे कैसे हो सकता है ये ध्यान रखेंगे गिल्टी एक्ट कैसे कैसे होता है वो ध्यान रखोगे पहले गिल्टी एक्ट कैन बी डन नंबर वन बाय डायरेक्ट एक्ट नंबर टू बाय ओमिशन ऑफ लीगल ड्यूटी अब लीगल ड्यूटी बोला है यहां पर मॉरल ड्यूटी नहीं बोला ये ध्यान रखना मॉरल ड्यूटी नहीं बोला तो एक तो आपने क्राइम किया इंटेंशन का मतलब है आपकी इंटेंशन थी इंटेंशन कैसे कैसे होती है पहले वो भी समझ लेते हैं मैनजरिया कैसे कैसे होता है बाय नॉलेज बाय रॉन्ग इंटेंशन एंड ऑल्सो बाय नेग्लिजेंस आज अगर तुम एक क्राइम कमिट करो और ये बोल रहे हो सॉरी मुझसे गलती से क्राइम हो गया मैं चाहता नहीं था क्राइम करना मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि ये नेकलेस मेरा है या मेरी मम्मी का है इसलिए मैंने नेकलेस आपके घर से चुरा लिया तो इस केस में आपको सजा मिलेगी कोई भी क्राइम अगर आप नेग्लिजेंटली भी कर रहे हो तो भी आपको सजा मिलेगी आपको पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं आपको ये नॉलेज थी कि इस चीज से क्राइम हो सकता है तो भी आपका मैंजरिया माना जाता है और जान पूछकर आपने क्राइम किया है रॉन्ग इंटेंशन थी आपकी तो भी आपको यहां पर सजा डेफिनेटली मिलती ही मिलती है तो मैन हो सकता है इन तीन तरह से आपका एक्टस एक्टर्स हो सकता है इन दो तरह से डायरेक्ट एक्ट मतलब मैंने डायरेक्टली चोरी कर ली किडनैपिंग कर लिया मर्डर कर लिया डाका डाल दिया रॉबरी रौ, कर ली डेकोइटी कर ली दूसरा जो इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझेंगे बाय ओमिशन ओमिशन होता है मतलब कि जो चीज आपको करनी चाहिए थी जो आपकी लीगल ड्यूटी थी वो चीज आपने नहीं करी मतलब जो चीज करना आपकी जिम्मेदारी थी अगर आप वो नहीं करते हो तो उस केस में आप पे क्राइम लग जाएगा अब इसका एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने जल्दी से मुझे एग्जाम्पल आंसर uh, देंगे पोल्स में क्वेश्चन है आपके पास बेगर पोल आ रहा है आपके पास राजू के पास एक भिकारी आया ये बोलता हुआ कि प्लीज बाबा मुझे खाना दे दो मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया मैं बिल्कुल मर जाऊंगा मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया राजू ने उसको तब भी खाना नहीं दिया और जो बेगर था जो भिकारी था वो उसी टाइम वहीं पर मर गया तो अब राजू पर मर्डर लगना चाहिए क्या राजू लाइबल है आपको लगता है राजू लाइबल है तो यस आंसर पे टिक करेंगे आपको लगता है राजू की कोई लाइबिलिटी नहीं है तो आप नो पे टिक करेंगे लेट्स सी कितने बच्चे करेक्ट आंसर्स देते हैं I'm expecting a good number of answers now. करेक्ट आंसर है राजू इज नॉट लाइबल कमेंट सेक्शन में भी बच्चों के यही आंसर थे 95 परसेंट बच्चों का आंसर सही है फर्स्ट फाइव स्टूडेंट्स कौन है अनुराग पीयूष स्वदेश रंजन पारोल रिंशु एपेक्स मान्या दिलप्रीत आर्यन शिवानी नीतू अंशु मनोज आशीष नवीन शुभम समीरा एंड आस्था आर द फर्स्ट नाइनटीन स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है ही इज नॉट लाइबल क्योंकि खाना देना सिर्फ उसकी मॉरल ड्यूटी थी लीगल ड्यूटी नहीं थी मॉरल ड्यूटी थी इसीलिए कोई लाइबिलिटी यहां पर राजू की नहीं बनती अब मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूं आप लोगों से जल्दी से उसका करेक्ट आंसर मुझे देंगे क्वेश्चन है राजूज स्टेप मदर लॉगड हिम इन अ रूम एक रूम में बंद कर दिया उसको खाना नहीं दिया एक और आंसर क्वेश्चन आ, आ रहा है जल्दी से पोल का आंसर देंगे राजू की स्टेप मदर ने सौतेली मां ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और दस दिन तक उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया राजू की डेथ हो गई तो क्या उसकी मम्मी स्टेप मदर जो सौतेली माँ है क्या उसकी लाइबिलिटी बनती है आंसर देंगे यस और नो से जल्दी से आंसर देंगे क्लियरली एडिंग द पोल ओवर हेयर अगेन

एक तो नंबर वन लॉक कर दिया लॉक करने के बाद उसको खाना नहीं दिया तो इस केस में टोटली totally ड्यूटी बनती थी उसकी लीगल ड्यूटी बनती थी दैट इज मर्डर के लिए शी इज लाइबल तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया ऑफ लीगल ड्यूटी का तो इसका मतलब है कभी कभी अगर आप अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो वो भी आपका क्राइम में रिया बन जाता है और इस केस में पनिशमेंट मिलती है ओके क्लियर हुआ सबको प्रियांशी अगर आपके लेवल पर पोल नहीं आ रहा तो बच्चे प्लीज एक बार अपना रिफ्रेश सिविल तो लॉ तो और क्रिमिनल लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है ठीक है तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में डिफरेंस होता है सिविल लॉ में नंबर वन सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस क्या है पहली बात तो जो केस फाइल होता है यहां पर होता है केस का जो टाइटल होगा वो होता है प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट दोनों पार्टीज के नाम आते हैं यहां पर प्लेंटिव कौन होता है विक्टिम विक्टिम पार्टी यहां पर डिफेंडेंट कौन होता है रॉन्ग डूअर पार्टी और इसका एग्जाम्पल सपोज मैं कह रही हूं गोपाल के साथ बुरा किया है शाम ने तो गोपाल वर्सेस श्याम केस का टाइटल होगा इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं टॉर्ट्स लॉ आपका सिविल लॉ का पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपका सिविल लॉ का पार्ट है तो यहां पर जब कभी भी आप किसी के साथ सिविल लेवल पर गलत करते हो तो वहां पर केस का टाइटल ऐसे ही जाएगा ये लेस सीरियस होता है इन नेचर बहुत सीरियस आपने कुछ कांड नहीं किया होता लेस सीरियस होता है इसीलिए यहां पर जो सोल्यूशन होते हैं जो हम रेमेडी बोलते हैं जिसको रेमेडी में यहां पे क्या मिलता है डैमेजेस और जिसको हम बोलते हैं कॉम्पेंसेशन यहां पर आपको सिविल लॉ में मिलता है अगर आज आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और आपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड किया है तब तो आपको क्रिमिनल में भी सजा मिलेगी लेकिन आपने फ्रॉड नहीं करा आपने किसी वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करा तो अगला बंदा आप पे केस कर देगा वो केस जाएगा सिविल कोर्ट में और वहां पर मैक्सिमम पैसा दो और मामले को रफा दफा करो उस पॉइंट पे वर्क करते हैं लोगों को सजा नहीं मिलती जेल में नहीं भेजा जाता वो चीज होती है आपकी सिविल लॉ में उसका एग्जांपल है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप पढ़ोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी ऐसा ही कुछ होता है ये सब कुछ आपका सिविल लॉ में आ जाता है अब बात करते हैं क्योंकि ये ये इसीलिए भी है क्योंकि ये काफी लेस सीरियस होते हैं नेचर में काफी कम सीरियस होते हैं इसीलिए कॉम्पेंसेशन से मामला रफा दफा हो जाता है क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ के टाइटल होते हैं प्रोजिक्यूशन वर्सेस अक्यूज अक्यूज मतलब जिसने क्राइम किया है जिसने भी क्राइम किया है और प्रोजिक्यूशन होती है जिस स्टेट में क्राइम हुआ है आज ये ध्यान रखना सपोज की स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस गोपाल अगर आज गोपाल एक चोर है उसने शाम के घर में चोरी करी है तो केस का टाइटल शाम वर्सेस गोपाल नहीं होता केस का टाइटल होता है सपोज की वो चोरी हुई है गुरुग्राम में गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा के अंदर तो केस का टाइटल होगा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस गोपाल गोपाल मतलब जो चोर है अब आप सोचोगे चोरी तो शाम के घर में हुई है तो ये हरियाणा सरकार को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है हरियाणा सरकार क्यों बीच में घुस रही है केस फाइल करने के लिए आप समझो हम ये मान के चलते हैं कि जब कोई क्राइम कमिट होता है तो आप पूरे सोसाइटी के साथ गलत कर रहे हो और इसको अगर लॉजिकली सोचा जाए तो क्राइम जब भी कोई कमिट होता है तो सारा काम आपका एग्जूटिव ब्रांच का होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एफआईआर करती है फॉरेंसिक टीम आती है वो एविडेंस कलेक्ट करती है फिर कोर्ट का जो लॉयर होता है जिसको पब्लिक प्रोजिक्यूटर कहते हैं वो केस फाइल करता है कोर्ट में अल्टीमेटली पूरी की पूरी सरकार का ये काम होता है प्रूफ करना कि गोपाल ने चोरी की है शाम जो कि विक्टिम है उनको कुछ नहीं करना होता क्रिमिनल केसेस में विक्टिम का सिर्फ इतना काम है कि जाके उसको पुलिस के साथ सपोर्ट करना है पुलिस को जाके एफ लिखवानी है आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहां पर पुलिस के साथ हेल्प आउट करनी है बाकी सारा काम पुलिस का होता है सारा काम पब्लिक प्रोजिक्यूटर का होता है इसीलिए हमेशा केस के टाइटल होते हैं कि जिस स्टेट में क्राइम हुआ है अगर बिहार में आज एक क्राइम हुआ है तो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस जिस इंसान ने क्राइम किया है उसका नाम होगा क्लियर हो गया सबको हां जी शाम एडवोकेट नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है एडवोकेट जो है वो शाम और यहां पर शाम को एडवोकेट भी नहीं लेके आना विक्टिम पार्टी को कोई को एडवोकेट हायर नहीं करना क्योंकि सरकारी वकील उसका केस लड़ रहा होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे केस लड़ते हैं जिनकी सैलरी सरकार देती है हाँ लेकिन गोपाल को अपना वकील खुद चुनना होगा गोपाल को अपने लिए वकील लाना होगा जो डिफेंस लॉयर कहलाता है क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट अ क्विक थम्स अप प्लीज अक्यूज वर्सेस स्टेट नहीं होता भावी स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड होता है नीतू आई एम फ्रॉम दिल्ली क्लियर हुआ सबको ये वाला पॉइंट अ थम्स अप प्लीज ओके ग्रेट अब क्योंकि ये वाले जो क्राइम होते हैं यहां पर आपका एग्जाम्पल है आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन एविडेंस एक्ट आपका पॉक्सो ये सब क्योंकि सबको क्रिमिनल लॉ में क्यों डाला है क्योंकि ये सीरियस और हीनियस क्राइम्स में आते हैं यहां पर जो आपने कांड किया होता है ना वो बहुत बड़े लेवल का होता है मर्डर हो गया रेप हो गया किडनैपिंग हो गया थेफ्ट हो गया डेकोइटी हो गया एक्सट्रॉर्शन हो गया तो क्योंकि यहां पर आपने जो काम किया है वो बहुत बड़े लेवल का है इसीलिए सजा भी बड़ी मिलेगी बॉस नमक ज्यादा डाला है अगर खाने में तो नमकीन बहुत ज्यादा लगेगा खाना तो वही चीज है यहां पर जो यहां पर आपको रेमेडीज होती हैं वो होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और जो फाइन भी होता है वो सरकार की जेब में जाता है विक्टिम पार्टी को फाइन का पैसा नहीं मिलता तो यहाँ पर पनिशमेंट होती है चाहे वो डेथ पेनल्टी हो चाहे वो इम्प्रिजनमेंट हो चाहे फिर वो आपका उम्र कैद की सज़ा हो चाहे दो तीन महीने की सज़ा हो इस तरह से पनिशमेंट और फाइन मिलते हैं क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं चलता कि पैसा दो और मामला रफा दफा करो वो यहां वर्क नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल लॉ में वर्क करता है गोपाल को उस केस में शुभम लॉयर प्रोवाइड किया जाता है एक हमारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फ्री लीगल एड तो ये फ्री लीगल एड उस अक्यूज को मिलता है अगर रॉन्ग डूअर जो है जिसने क्राइम कमिट किया है वो बिल्कुल ही गरीब इंसान है मान के चलो कि ये वो एक रिक्शा वाला है जिसने चोरी करी है और रिक्शा वाले के पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि वो अपना वकील ला सके उस केस में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील देगी जो सरकार वकील प्रोवाइड करेगी लेकिन जो इंसान वकील हायर कर सकते हैं फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जिनके पास है उनको कोई फ्री लीगल एड नहीं मिलता विक्टिम को नहीं मिलता स्वदेश फाइंस जो होते हैं वो सरकार के फंड में जाते हैं क्लियर हुआ सबको कोई डाउट यहां पर थम्स अप प्लीज तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ तो जैसा कि मैंने कहा एक्टस रियस हो गया आपका गिल्टी एक्ट मेन्जरिया आपका होता है मेनजरिया मतलब गिल्टी माइंड मतलब कि या तो आपको पता था पर्पस था आपका क्राइम करने का या आपको नॉलेज थी कि जो मैं करने वाला हूं उससे क्राइम कमिट हो जाएगा या आप नेग्लिजेंटली क्राइम कर रहे थे या आप रेकलेस एक्ट की वजह से क्राइम कर रहे थे अगर इन चारों में से कुछ भी था तो यह माना जाता है कि क्राइम के दौरान आपका माइंड जो था वो गिल्टी था अगर आपका माइंड गिल्टी था आपका एक्ट गिल्टी है तो अब आपको पनिशमेंट से कोई भी नहीं बचा सकता जी नहीं सूरज ऐसा कुछ भी नहीं होता रेप केसेस में भी ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा फ्री लीगल एड सिर्फ तभी मिलता है जब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं वकील हायर करने के ओके okay. उसके बाद आ जाते हैं आपके कुछ ऑफेंसेस जहां पर एक्टस नॉन फेसिड निसी मेन्सित रिया आक, ये एक आपकी है एक्टस नॉन फेसिड निसी मेनसित रिया ये कहता है कि नो क्राइम इज पनिशेबल अगर आपका गिल्टी एक्ट ना हो लेकिन ये कुछ क्राइम्स हैं जहां पर पनिशमेंट मिलती है इवन वेन नो मेन्स रिया इज देयर कुछ कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जहां बिना मेन्जरिया के भी पनिशमेंट मिलती है क्योंकि एक्टर्स रियस तो था लेकिन मेन्जरिया नहीं था यह कब कब होता है क्रिमिनल डिफेमेशन में पब्लिक न्यूसेंस में अगर आप कोर्ट में कंटेम्प्ट करते हो कोर्ट में कोर्ट के प्रोसीडिंग्स uh, के दौरान कुछ बकवास करते हो एबडक्शन और किडनैपिंग करते हो एबडक्शन किडनैपिंग में मेन्जरिया नहीं देखते मान के चलो कि अगर आज आप पार्क में घूम रहे हो आपको लग रहा है एक बच्चा बहुत देर से अकेला खड़ा है वो बेचारा रो रहा है आपने सोचा ये बच्चा चुप हो जाएगा आप उसको अपने घर पे ले आए मैगी खिलाने के लिए या चॉकलेट देने के लिए इंटेंशन आपकी प्योर थी कोई मैंजरिया नहीं था आपका लेकिन आप उस बच्चे को अपने घर पे ले आए चुप कराने के लिए बजाय के पुलिस के पास ले जाने के और जैसे ही आप उसको अपने घर पे ले आए थोड़ी देर बाद पुलिस आपका दरवाजा खोलती और आपको कहेगी यू आर अंडर अरेस्ट तो यहां पर यह किडनैपिंग लग जाता है क्योंकि माना आपका मैंजरिया नहीं था लेकिन बच्चे को अगर आप पुलिस के पास ले जाने की बजाय अपने घर पे ले आओगे तो वहां पर किडनैपिंग एबडक्शन में आपको सजा मिल सकती है बाइगेमी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ये सब ऐसे कुछ क्राइम्स हैं जहां पर बिना मेन्जरिया के भी आपको पनिशमेंट मिलती ही मिलती है क्लियर हुआ सबको रोलेक्स ये जो आपका डाउट है सीयू वाला डाउट बच्चे आज हम लोग का एक टेलीग्राम सेशन होने वाला है सिक्स ओ क्लॉक प्लीज ज्वाइन दैट सेशन वहां पर मैं आपके इस डाउट को बिल्कुल एड्रेस करूंगी अभी के लिए अगर आपके अकेडमिक कोई डाउट्स हैं जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ को लेकर कुछ भी डाउट्स हैं एक बार आप उन डाउट्स को एड्रेस यहाँ पर कर सकते हैं जितने भी नॉन अकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए हम लोगों ने अपना स्पेशल सीरीज स्टार्ट करा है टेलीग्राम सीरीज एंड यूट्यूब का बातचीत सीरीज वहां पर आपके जितने भी नॉन अकेडमिक डाउट्स हैं बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को क्लैट के एडमिशन प्रोसेस को लेके वहां पर आप अपने डाउट्स से पूछ सकते हैं ओके नेक्स्ट आता है आपका सेक्सुअल हरासमेंट अगर आप करते हो अगर आप रेप करते हो कोई भी ऑप्सीन बुक्स बेचते हो कमोडिटीज एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट यहां सब जगह पे पनिशमेंट आपको मिलेगी अगर आपका इवन वेन नो मेनजरिया वॉज देयर नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ क्राइम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ क्राइम क्राइम तीन स्टेजेस में होता है चार स्टेजेस में नंबर वन इंटेंशन नंबर टू प्रिपेरेशन नंबर थ्री अटेम्प्ट एंड नंबर फोर एक्चुअल कमिशन तो जब भी आप कोई क्राइम कमिट करते हो ये चार स्टेजेस होती हैं तो वहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन और प्रिपेटरी स्टेज में कोई पनिशमेंट नहीं मिलती नो पनिशमेंट इज देयर आपने भी सुना होगा एक मूवी आई थी जहां पे मनोज वाजपेयी बोलता है कि भाई क्राइम सोचने की सजा नहीं है क्राइम को करने की सजा है आज बहुत बार हमारा मन करता है यार कि अपने दुश्मन की जान ले लें लेकिन हम नहीं जान लेते हैं क्योंकि हम कानून से डरते हैं तो इंटेंशन की स्टेज पे प्रिपेटरी की स्टेज पे अगर आज मैं अपने दुश्मन को मारना चाहती हूं उसके लिए मैं जहर खरीद के ले आई हूं लेकिन वो जहर मैंने अपने ड्रॉर में रखा है तो प्रिपैशन और इंटेंशन में कोई सजा नहीं मिलती लेकिन जैसे ही आप उसके क्राइम का अटेम्प्ट ले लोगे या आपने एक्चुअली वो क्राइम कमिट भी कर दिया तो आपको दोनों स्टेजेस पे सजा मिलेगी अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया लेकिन क्राइम को पूरा नहीं कर पाए मैं गई तो थी किसी की जान लेने के लिए मैंने उस पर गोली भी चलाई लेकिन मेरा निशाना चूक गया वो इंसान बच गया तो मुझ पे लग जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट की सजा भी मिलती है ये ध्यान रखेंगे हमेशा ठीक है नो निकिता एक्टस रीअस और मेंस रिया ये आपके लैटिन टर्म्स हैं बहुत सारा हमारा जो लॉ है वो ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर्ड है तो बहुत सारे मैक्सिम्स और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लैटिन लैंग्वेज में हैं इसीलिए उनको इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करके पढ़ते हैं दैट इज इट ओके तो ये दोनों स्टेजेस पनिशेबल uh, होती है इंटेंशन अटेम्प्ट और अब यहां पर कुछ लिखा है ऑफेंसेस कुछ ऑफेंसेस हैं पनिशेबल एट प्रिपेटरी स्टेज वैसे तो प्रिपेरेशन में कोई सजा नहीं है लेकिन कुछ ऑफेंसेस हैं जो प्रिपेटरी स्टेज में पनिशेबल होते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं अगर आप वॉर कर रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट मतलब आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक वॉर करने वाले हो एक जंग करने वाले हो और अभी आप प्रिपेरटरी स्टेज में हो मतलब आप सब गोला बारूद तैयार रख के अपने घर पे बैठे हो आंदोलन जैसा कुछ करने के लिए सब बैनर वैनर बना के अपने घर पे बैठे हो आपने अभी तक करा कुछ भी नहीं है और पुलिस को पता चल गया तो आपको प्रिपेरेशन की भी सजा मिल जाएगी सिमिलरली अगर आप प्रिपेरेशन कर रहे हो कि आप काउंटर फीट करने वाले हो करेंसी को मतलब जाली नोट बनाने के लिए जाली क्वेंस बनाने के लिए आप मशीन खरीद के ले आए आप कागज खरीद के ले आए आपने सब कुछ तैयारी कर ली लेकिन अभी तक बनाया एक नोट भी नहीं है उस केस में अगर आप पकड़े गए पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो उस केस में आपको यहां पर सजा मिलेगी ही मिलेगी प्रिपेटरी स्टेज में सिमिलरली अगर आपके पास पाया जाए हैविंग सिर्फ होना ही अपने आप में क्राइम है अगर आपके पास काउंटर फीटेड करेंसी पकड़ी जाए कोई भी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स आपके पास पकड़े जाए और पता चल गया कि ये डॉक्यूमेंट फेक हैं आपके पास ऐसे वेट और मेजरमेंट पकड़े जाएं सपोज अगर आज आप दूध की डेयरी चलाते हो आपके पास एक मशीन है जो 10 किलो की जगह साढ़े नौ किलो तोलती है और पुलिस को पता चल गया कि आपके पास ऐसे गलत वेट्स हैं तो इस केस में भी आपको सजा जरूर मिलेगी आपके पास तभी कहते हैं ना जब अगर आपके पास कोई भी जाली नोट है उसको तुरंत बैंक में जमा कराएं लेकिन इंसान कभी ऐसा नहीं करता इंसान ये सोचता है यार मुझे किसी ने ये 500 का नोट चेप दिया क्योंकि बैंक आपको नया नोट तो देगा नहीं 500 वाले फेक नोट की जगह बैंक तो आपसे बस लेके रख लेगा इंसान सोचता है यार किसी ने मेरा बेवकूफ बना दिया 500 का मुझे चेप के मैं भी किसी और को बेवकूफ बना दूंगा गड्डी में चला दूंगा जैसे हम लोग करते हैं अक्सर तो आप देखा जाए तो आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो आप अपना एक नोट चलाओगे कोई इंसान अपने दो नोट चलाएगा और ये चेन बनती चली जाएगी इसीलिए अगर पता चलेगा पता चलेगा कि आपके पास फेक करेंसी है तो उस करेंसी का होना ही अपने आप में पनिशेबल माना जाता है सेम बात होती है डॉक्यूमेंट की अगर आज मेरे पास मार्कशीट है जो कि जाली है और अभी तक मैंने इस्तेमाल भी नहीं करी लेकिन पुलिस को पता चल गया कि मेरे पास जाली मार्कशीट है तो उस केस में मुझे सजा मिलेगी क्योंकि अल्टीमेटली जाली मार्कशीट बनाने का मकसद ही यही है यह कि मैं किसी और को मार्केट में बुद्धू बनाने के लिए बैठी हूं तो इस केस में सजा मिलती है साथ ही प्लानिंग टू कमिट डेकोटी किसी भी और क्राइम की प्लानिंग पता है नहीं है। आज अगर तुम किसी की भी जान लेने के लिए प्लानिंग करोगे तुम्हें कोई सजा नहीं है तुम आज किसी का किडनेप करने के लिए प्लानिंग करोगे तुम्हें कोई सजा नहीं है तुम किसी का किसी के घर पे चोरी करने के लिए प्लानिंग करोगे तब भी कोई सजा नहीं है लेकिन अगर तुम प्लानिंग ऑफ डेकॉइटी करोगे अगर आप डकैती की प्लानिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको प्लानिंग स्टेज पर ही सजा मिल जाएगी डेकोइटी में प्रिपेरेशन स्टेज भी पनिशेबल माना जाता है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी तो प्रिपेरेशन होता है अल्टीमेटली आप सामान एकत्र करते हो सब सामान इकट्ठा करते हो तो यहां पर इसीलिए पनिशमेंट नहीं है जहां जहां पनिशमेंट है प्रिपेटरी स्टेज पे वो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करा है दैट इज द प्रिपेटरी स्टेज

मतलब मैं अटेम्प्ट ले चुकी वो लास्ट स्टेप था जो मुझे करना था आर्यन जो आप पूछ रहे हो, और चोरी में क्या फरक है? बच्चे बहुत ज्यादा और रॉबरी इन चारों में क्या डिफरेंस है तो मैं आज नहीं बता पाऊंगी रिंशु डेकोइटी और रॉबरी के बीच में डिफरेंस बट उस मैं डिटेल में बताऊंगी तो आपको सारे सेशन को रेगुलरली देखना है ओके uh, okay. तो अटेम्प्ट का स्टेज बहुत ज्यादा यस पनिशेबल होता होता है होता है अटेम्प्ट अपने गोल की तरफ लिया गया वो लास्ट लास्ट स्टेप स्टेप और जब आप ले लेते हो अब अगर तीर निशाने पे लग गया तुम जिसका मर्डर करने गए थे तुमने मर्डर कर लिया जिसका किडनैप करने गए थे तुम किडनैप कर लाए तुम चोरी करने गए थे तुम चोरी कर लाए तब तो तुमने एक्चुअल कमीशन कर दिया तब तो तुम्हें सजा है ही है लेकिन सपोजिटली लक खराब था चोरी करने तो गए थे चोरी करके भाग भी रहे थे लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खोलने के लिए देखा तो पुलिस सामने खड़ी थी किडनैप करके बस ओमनी में डाला ही था एकदम से पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए तो आपका अटेम्प्ट जो था वो अधूरा रह गया लेकिन इस केस में भी अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिलती है अटेम्प्ट में कहते हैं अप टू हाफ ऑफ ओरिजिनल पनिशमेंट मिलती है टू मतलब मैक्सिमम है टू तक मिल सकती है हाफ ऑफ ओरिजिनल पनिशमेंट अप टू मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर किडनेपिंग की सजा है सेवन ईयर्स तो अगर आपने अटेम्प्ट लिया है किडनेपिंग का वो होगा अप टू थ्री पॉइंट फाइव इस तक की सजा आपको मिल सकती है अटेम्प टू किडनेपिंग केस में यह ध्यान रखेंगे सेक्शंस नहीं लर्न करने आज था मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था लीगल रीजनिंग कभी भी आपसे सेक्शंस नहीं पूछता थैंक यू सो मच जोधराज फॉर द कॉम्प्लीमेंट बच्चे गॉड ब्लेस यू पीसफुल प्रोटेस्ट और असेंबली कभी भी क्राइम नहीं होता सूरज वेजिंग वॉर क्राइम है अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो कोई क्राइम नहीं है कोई सजा आपको नहीं मिलेगी एक बात इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल क्या क्राइम में आएगा अटेम्प्ट आपने लिया है उस चीज का जो कि इम्पॉसिबल था इसका एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के पास आंसर देंगे जल्दी से एक चोर ने रात को एक ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने की सोची उसने सोचा आज मैं सारी ज्वेलरी यहां से चुरा लूंगा और जैसे ही वो स्टोर में घुसा ज्वेलरी चुराने के लिए उसने देखा वहां पर कोई भी ज्वेलरी थी ही नहीं एक भी ज्वेलरी अवेलेबल नहीं थी तो इस केसेस में क्या उस थीफ को सजा मिलनी चाहिए थेफ्ट की क्या उसको सजा मिलनी चाहिए इस केस में थेफ्ट की पिंकू मैं दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ हाँ यूट्यूब के सेशंस में क्लैट नेक्सस बैच में वहां पर एक भी ज्वेलरी थी ही नहीं वो चोरी करने तो गया पर एक भी ज्वेलरी नहीं थी वहां पर तो अब आप मुझे बताएंगे क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए इस केस में करेक्ट आंसर है आपका यस yes. सजा मिलनी चाहिए नाइंटी थ्री परसेंट बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है वेरी गुड ब्राइट स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास टुडे रंजन द रियल कम्युनिकेटर अनुराग मनोज एंड अंशु आर द फर्स्ट फाइव स्टूडेंट्स जिनका आंसर बिल्कुल ठीक है आंसर होगा यस yes, पनिशमेंट मिलेगी तो अगर आज आप एक क्राइम कमिट करने जा रहे हो अगर आज आप एक क्राइम कमिट करने जा रहे हो जहां पर वो एक इंपॉसिबल एक्ट है मतलब कि वो होना ही नहीं था अगर आज चोर एक आंटी का पर्स चुरा के भागा और बाद में पर्स में एक रुपए भी नहीं थे तो क्या चोर पर तो अगर आज आप एक इम्पॉसिबल एक्ट करने जा रहे हो और वहां पर आपने अटेम्प्ट ले लिया है उसका तो भी अटेम्प्ट की सजा मिलती है चाहे वो एक्ट अपने आप में इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मूवीज में दिखाते हैं ना जैसे सपोज आप अपने दुश्मन को मारने गए रात को आपके सामने आपका दुश्मन सो रहा था चद्दर ओढ़ के आपने लेके गोली चलाई चार बुलेट्स फायर करी और बाद में पता चलता है कि वहां पर तो सिर्फ तकिए रखे थे आपका दुश्मन वहां सो ही नहीं रहा था तो माई डियर फ्रेंड्स आपको तकियों की जान लेने पर अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा भुगतनी पड़ेगी क्योंकि अगर इंसान होता तो मर चुका होता तकियों पे गोली चलाने के लिए भी आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाएगा क्लियर हुआ सबको थैंक यू सो मच आस्था बच्चे गॉड ब्लेस यू इज इट क्लियर टू एवरीवन सबको क्लियर हो गया इज इट क्लियर टू एवरीवन अ क्विक थम्स अप प्लीज अटेम्प्ट टू डू इंपॉसिबल इज आल्सो अ क्राइम तो अटेम्प टू कमिट इज़ पनिशेबल ऑफेंस शुड बी डन द एक्ट टूवर्ड इट अटेम्प्ट इज नॉट एक्सप्रेसली कवर्ड सेक्शन फाइव डबल वन सेक्शन नंबर नहीं लर्न करना सेक्शन फाइव डबल वन आईपीसी का डिस्कस करता है अटेम्प्ट को पनिशेबल मानता है अटेम्प्ट इज पनिशेबल ओके क्लियर ये मैंने बताई दिया है कि आप गिल्टी होते हो जब भी अटेम्प्ट इंपॉसिबल होता है तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी सो ऑन दिस नोट आई हैव टू वाइंड अप टूडे सेशन आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू एवरीवन। एक छोटा सा जल्दी से कोई क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आंसर देंगे इस क्वेश्चन का जल्दी से सब बच्चे ओके okay. यहां पर क्वेश्चन यह है कि राजू अपनी बीवी की जान लेना चाहता था सोच रहा था कि हथौड़े से अपनी बीवी का सर फाड़ दूंगा हथौड़ा खरीदने के लिए वो एक दुकान पे गया जिस टाइम पे वो दुकान में एंटर कर रहा था वो क्राइम की कौन सी स्टेज पर था इंटेंशन प्रिपेरेशन अटेम्प्ट या एक्चुअल कमीशन जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे पोल ऐड कर रही हूं मैं ओके, द करेक्ट आंसर इज इंटेंशन मुझे पता था ये था गूगली क्वेश्चन और यही हुआ काफी बच्चे इस गूगली पे फिसल गए ये गुगली बॉल थी हिट हो गया तभी तो 26 परसेंट बच्चों का सिर्फ आंसर सही है प्रियांशी बीन अनुराग अंशु रिंशु एंड मनोज आर ओनली स्टूडेंट्स जिनका आंसर बिल्कुल ठीक है इंटेंशन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन समझो जिस मोमेंट वो स्टोर में एंटर कर रहा था अभी सिर्फ स्टोर में घुस रहा था अभी तक हैमर नहीं खरीदा था उसने तो प्रिपेरेशन कैसी है अटेम्प्ट और एक्चुअल कमीशन तो बिल्कुल ही नहीं है अभी वो इंटेंशन स्टेज पे है क्योंकि हैमर उसने अभी तक नहीं खरीदा अभी सिर्फ मन में लड्डू फूटा है कि बीवी को मार दूंगा एंटर कर रहा था दूसरा क्या पता एंटर करते हुए उसका हृदय परिवर्तन हो जाता वो गीता सुन लेता सोचता यार मेरी बीवी बहुत अच्छी है मेरे लिए खाना बनाती है मेरे बच्चों को पालती है चलो मैं उसको नहीं मारता और वो वापसी हो जाता तो प्रिपेरेशन तो अभी तक कुछ हुई नहीं हैमर तो उसने अभी तक खरीदा ही नहीं है इसीलिए प्रिपेटरी गलत आंसर होगा इंटेंशन स्टेज होगा एंटर के दौरान अगर हैमर खरीद चुका होता अगर मैं बोलती है, हैमर खरीदने के बाद वो वापसी जा रहा होता तो फिर आंसर आपका होता प्रिपेरटरी स्टेज आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन अक थम्स अप प्लीज सबको क्लियर हो गया ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और इसी तरह में आपको वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है ऐसे गुगली क्वेश्चन क्लार्ट बहुत पूछता है पर आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन की तैयारी में आपको बिल्कुल क्लास में कराऊंगी दैट इज वाई यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट तरह से आपने रेगुलर सेशन को अटेंड करना है क्लियर हुआ सबको ओके वेरी गुड वेरी नाइस जल्दी से एक छोटा सा लास्ट क्विक पोल कर लेते हैं आई होप क्लास में जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रही आपको तो एक छोटा सा लास्ट में पोल कर लेते हैं अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज एक अच्छा सा दे दो गुड स्माइल्स के साथ तो प्लीज एक छोटा सा लास्ट पोल कर लेते हैं एक वोट टाइप कर लेते हैं अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज गिव अ थम्स अप अगर नहीं अच्छी लगी या किसी वजह से कुछ पॉइंट्स रह गए लूप्स रह गए तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक इट तो प्लीज एक छोटा सा लास्ट पोल करते हैं थम्स अप वाला नहीं बिल्कुल शुभम सेक्शंस नहीं पूछे जाते लीगल रीजनिंग के सेक्शन में तो आपने कोई भी सेक्शंस नहीं लर्न करने क्लाट का नया बैच बहुत जल्दी आने वाला है नमन लेकिन अगर आप अभी भी चाहें तो हमारा अचीवर्स प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हैं वहां आपके पास सारे जो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं उसके रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास अवेलेबल होंगे सारे डीपीपी क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल होंगे तो इस तरह से आप वहां से अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो नमन आई कुड सी लॉट ऑफ थम्स इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो वेरी नाइस ओके लेट्स सी द रिजल्ट्स हंड्रेड है अरे वाह मजा आ गया मतलब जितने भी बच्चे आज यहाँ मेरे साथ सेशन में जुड़े हैं हर एक बच्चे को आई कुड टच ईच एंड एवरी वन हार्थ आई एम रियली रियली ग्लैड दैट्स अ गुड वुमेंस डे गिफ्ट फॉर मी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स काफी अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अगले सेशन में थैंक यू सो मच आस्था गॉड ब्लेस यू स्वदेश दैट इज बाई डिफॉल्ट वो अंदर से नेचुरली आता है तो मैं बता नहीं सकती उसका रीजन क्या है अपनी मम्मी से पूछ के जरूर बताऊंगी ऑल दैट नोट ओके ऑन दैट नोट आई बी वाइंडिंग अप टूडे सेशन मुलाकात होगी आप लोगों से बहुत जल्द अगले सेशन में कल हमारा एक जनरल एक्सेप्शन का सेशन है उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा लीगल रीजनिंग में हम लोग कल जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे कल हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमसे कोई क्राइम हो गया तो कैसे बचेंगे कैसे बचा जाएगा तो वो वाले जनरल डिफेंसिस जो डिफेंस अवेलेबल होते हैं क्राइम के दौरान कुछ बहुत सारे एक्सेप्शन अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग कल की क्लास में स्टडी करेंगे तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए डीपीपीस को प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि डीपीपी आपको आपके पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेगी लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल होता है लेकिन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट लेक्चर पर पढ़ लो अच्छी बात है लेकिन डीपीपी को सॉल्व करना इक्वली इंपॉर्टेंट है तभी वो टॉपिक आपका सॉलिडिफाई होगा तो प्रैक्टिस करिए पीडब्ल्यू ऐप पर जाइए डीपीपी को प्रैक्टिस करिए जो कि आज की क्लास से रिलेटेड है मिलना होगा आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर एवरी वन बाय ऑल